गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी ज्वाइन करो। यस वेरी गुड, जल्दी ज्वाइन करें सभी, फिर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी ज्वाइन करो सभी। कल मैंने कहां तक कराए तुम्हें क्वेश्चंस? बताएं सभी, कहां तक कर लिए थे हमने कल? थर्टी वन तक कराए थे ना। उसके आगे मैंने कुछ क्वेश्चंस तुम्हें करने के लिए दिए थे, ठीक है? 36 तक अगर किसी का डाउट है तो बताओ। फटाफट ज्वाइन कर जाओ सभी, जल्दी से। पूर्णिमा आज अटेंडेंस तुम लोगे ना, ठीक है? और सभी के अटेंडेंस एक ही पेज पे मेरे को लिख के भेजनी है, स्कूल की भी और एकेडमी की भी। पूर्णिमा एक ही पेज पे लिख के भेज देना मेरे को सारे, ठीक है? क्लास ओवर होने के बाद। यस वेरी गुड, इतने सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और ज्वाइन करो। थर्टी टू, 33, 34, 35, 36, इसमें कोई डाउट किसी को? इन क्वेश्चंस में कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है तो बताएं सभी। कोई डाउट नहीं है बच्चों, ज्वाइन करो जल्दी से फटाफट, फिर क्लास को स्टार्ट करना है। 35 और 36, ठीक है? 35 और 36, prove that secant a minus 10a, secant a plus 10a equals to cos square a 1 plus sin a का whole square। इसमें sin cos में चेंज कर देंगे हम, किसमें चेंज करेंगे? sin cos में। LHS is equals to secant A minus 10A, secant A plus 10A, ठीक है?
secant is 1 by cos A and this is sin A by cos A. This one is 1 by cos A plus tan A का मतलब sin A by cos A. ठीक है, एलसीएम लेंगे इसमें हम, इसका एलसीएम कोस ए आएगा और ये 1 माइनस साइन ए, इसका एलसीएम भी कोस ए आएगा और 1 प्लस साइन ए. कोस ए से कोस ए कैंसिल, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए. अब ध्यान से देखो, मेरे को यहां पे 1 प्लस साइन का क्या चाहिए, स्क्वेयर चाहिए. इसका स्क्वेयर कब आएगा, जब मैं यहां 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा. तो यहां क्या करें हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए. 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और ये भी 1 प्लस साइन ए. ऊपर आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. यही हमारी आरएचएस. ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल. सबको क्लियर हुआ. क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी ज्वाइन करो भाई, फटाफट, बहुत लेट आ रहे हैं बच्चे, जल्दी से ज्वाइन करो और लाइक भी कर दो सभी वीडियो को. थर्टी सिक्स, प्रूव दैट 1 प्लस कोस ए बाय साइन ए इक्वल्स टू साइन ए बाय 1 माइनस कोस ए. ये प्रूव करना है, एलएचएस लेके चलेंगे हम. 1 प्लस कोस ए बाय साइन ए, 1 प्लस कोस ए बाय साइन ए. देखो आंसर में मेरे को नीचे क्या चाहिए, 1 माइनस कोस ना, तो यहां मेरे को 1 माइनस कोस चाहिए, तो मैं 1 माइनस कोस से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा. ठीक है ना, आंसर में मेरे को 1 माइनस कोस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं इसको. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए, तो कितना आ जाएगा ये, 1 प्लस कोस ए बाय साइन ए, 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए. ऊपर आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज साइन ए 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर. साइन ए 1 माइनस कोस ए, इससे ये कैंसिल, साइन ए बाय 1 माइनस कोस ए This is equals to RHS.
क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी को? सभी को क्लियर ना भाई? कोई डाउट तो नहीं? ओके क्वेश्चन नंबर 37 तुम्हें खुद से करना है, 37 तुम्हें खुद से ट्राई करना है, ठीक है? 37 तुम्हें खुद से ट्राई करना है, मैं 38 करवा रहा हूं। प्रूव दैट वन माइनस कोसे बाय वन प्लस कोसे वन प्लस कोसे बाय वन माइनस कोसे टू कोसेकेंट टी ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस में तुम रेशनलाइज भी कर सकते हो और एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो, ठीक है? डायरेक्ट एलसीएम से भी आ जाएगा। देखो एलएचएस ले रहा हूं मैं, वन माइनस कोसे वन प्लस कोसे वन प्लस कोसे वन माइनस कोसे एल रेशनलाइजेशन मेथड से करेंगे इसको, ठीक है? वन माइनस कोसे वन प्लस कोसे वन प्लस सॉरी वन माइनस कोसे वन माइनस कोसे इसका साइन चेंज किया मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे इसमें करेंगे हम वन प्लस कोसे वन माइनस कोसे फिर ये वन प्लस कोसे और ये भी वन प्लस कोसे अभी क्या बनेगा वन माइनस कोसे का होल स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी वन माइनस कॉस स्क्वायर ए ठीक है। ये वन प्लस कोसे का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ में आया? ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? दिस इज 1 माइनस कॉस a का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर वन प्लस कोस ए का होल स्क्वायर वन माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। अब रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा ना, रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा तो वन माइनस कोस ए बाय साइन ए एंड दिस इज वन प्लस कोस ए बाय साइन ए
ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा साइन ए, दिस इज वन माइनस कोस ए एंड वन प्लस कोस ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज टू बाय साइन ए, टू बाय साइन ए को मैं क्या लिखूं, टू इंटू वन बाय साइन ए, और वन बाय साइन क्या होता है कोसेक की, दिस इज आर एच एस, ठीक है, क्लियर सभी को, कोई डाउट? तो ये 38 है, 39 का फर्स्ट और फोर्थ करवा रहा हूं मैं तुम्हें, थर्टी नाइन्थ में सारे ही पार्ट एक जैसे हैं, 39 का फर्स्ट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट सीकेंट थीटा माइनस वन सीकेंट थीटा प्लस वन सीकेंट थीटा प्लस वन सीकेंट थीटा माइनस वन, इसको प्रूव करना हमें टू कोसिकेंट थीटा, इसको टू कोसिकेंट थीटा प्रूव करना है। अब देखो सीकेंट को मैं वन बाय कोस लिख दूं, एलएचएस सीकेंट थीटा माइनस वन सीकेंट थीटा प्लस वन सीकेंट थीटा प्लस वन सीकेंट थीटा माइनस वन, इसको वन बाय कोस थीटा माइनस वन और ये वन बाय कोस थीटा प्लस वन, दिस इज वन बाय कोस थीटा प्लस वन एंड दिस इज वन बाय कोस थीटा माइनस वन, ऐसी होगा ना ये, जब एलसीएम लूंगा मैं इसका तो वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा, ये बनेगा वन प्लस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा। अब इसके बाद तो यही क्वेश्चन है ना, अब इसके बाद तो क्या है ये, इसके बाद तो सेम एज क्वेश्चन 38, ठीक है, क्लियर है सभी को, हाँ जी कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट, जो इसका थर्ड पार्ट है, 39th का थर्ड पार्ट, वो भी सेम है इस क्वेश्चन 38 है, तुम्हें खुद से करना ही, ठीक है, सेकेंड पार्ट, प्रूव दैट वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा equals to 2 secant theta. इसको rationalize करना है फिर से,
कितना आएगा ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। रेशनलाइज करो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर। ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर। तो ये 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एलसीएम आएगा कॉस थीटा। दिस इज 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इससे ये कैंसिल हुआ 2 बाई कॉस थीटा, और 2 बाई कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 बाई कॉस, और 1 बाय कोस क्या होता है सीकेंट थीटा, यही मेरी आरएचएस है। ठीक है, सबको समझ में आया? बच्चे बहुत कम है क्लास में ना, कल तो 50 थे, थोड़े से जल्दी से और ज्वाइन करो। देखो हो सकता है पूरा साल यूट्यूब पे पढ़ना पड़े, तो लाइटली मत लो इसको, ठीक है ना, लाइटली किसी भी चीज को मत लो, इसलिए अपनी डेली की डेली पढ़ाई करो। हो सकता है पूरे के पूरा सेशन ही तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ना पड़े, ठीक है ना, इसलिए जल्दी से क्लास में आओ सभी बच्चे। वेरी गुड, थर्टी एट का फोर्थ पार्ट। Prove that secant theta minus 1 secant theta plus 1 sin theta by 1 plus cos theta का whole square। ठीक है, तो इसमें LHS लेके चलेंगे हम, secant theta minus 1 secant theta plus 1। secant को क्या लिखूं मैं, 1 by cos, secant को लिखो 1 by cos theta, और ये 1 by cos theta plus 1, LCM लेंगे इसका, LCM लेंगे ना, तो ये 1 minus cos और ये 1 plus cos, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम से या एक स्टेप और लिख लो, इसका एलसीएम कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो इसका एलसीएम भी कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। लेकिन आंसर में मेरे को 1 प्लस कोस का क्या चाहिए यहां पर, होल स्क्वायर। 1 प्लस कोस का क्या चाहिए, होल स्क्वायर।
मैं 1 प्लस कोस से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, 1 प्लस कोस और 1 प्लस कोस, तो ऊपर तो बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कोस के थीटा, और ये बनेगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को मैं एक एक स्क्वायर में ही कंबाइंड कर दूंगा, 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर, दिस इज आरएचएस, ठीक है। देखो मैंने सेकेंड को क्या लिखा, 1 बाई कोस, इसको भी 1 बाई कोस, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हुआ, तो बचा 1 माइनस कोस बाय 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस बाय 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये नीचे होल स्क्वायर बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर, साइन बाय 1 प्लस कोस, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए बाय बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने एक कंबाइंड स्क्वायर लगा दिया यहां, क्लियर है सभी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 39 से अभी प्रूव करेंगे, अभी प्रूव दैट secant a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। चलो करो सभी प्रूफ, इसको फटाफट करें सभी प्रूफ, देखते हैं कौन पहले करेगा। देखो कैसे करेंगे, एलएचएस सेकेंट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, इसको 1 बाय कोस ए, दिस इज साइन ए बाय कोस ए, ठीक है, होल स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस साइन ए बाय कोस ए का होल स्क्वायर, ऊपर तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर, हमें तो आंसर में केवल साइन चाहिए, आंसर में केवल साइन की रिक्वायरमेंट है, कॉस तो नहीं चाहिए, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, ये cos square equals to 1 minus sin square, ठीक है। अब यहां पर a square minus b square,
ये वन माइनस साइन ए को दो बार लिखू मैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये कैंसिल आउट, वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए, दिस इज आर एच एस, हो गया ना प्रूफ। और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सबको समझ आ रहा है, कोई डाउट? भाई तुम बीच बीच में गायब हो रहे हो सारे बच्चे ना, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा मैं। तुम सोच रहे हो अटेंडेंस लग जाती है, केवल उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस लगेगी जिनकी अटेंडेंस मेरे अटेंडेंस से मैच होगी, ठीक है? तो इसलिए सारे बच्चे ये मत सोचना कि अटेंडेंस लगेगी, और जल्दी से क्लास में आओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 40 भी ऐसे ही होगा, रिपीट करना है। सेकेंड ए को 1 बाई कोस, 10 को साइन बाई कोस, ये 1 माइनस साइन बाई कोस एलसीएम लिया, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। देखो ये ए बाई बी का होल स्क्वायर है ना, ए बाई बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, वो ए का भी स्क्वायर होता है और बी का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि आंसर में कोस है ही नहीं, आंसर में कोस नहीं है, तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और स्क्वायर को दो बार लिख दिया, एक बार कैंसिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 तुम्हें खुद से करना है, सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन 40 तुम्हें खुद से करना है आरएचएस लेके। क्वेश्चन 40 यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, बाय टेकिंग आरएचएस, आरएचएस को लेके सोल्व करना है उसको, ठीक है, आरएचएस को लेके करो ना। देखो एलएचएस लेके भी कर सकते हो, आरएचएस लेके भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं करवा देता हूं, प्रूव दैट 1 माइनस कोस ए बाय 1 प्लस कोस ए का होल कोस ए इक्वल्स टू कोट ए माइनस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर। इसमें मैं आरएचएस लूंगा, कोट ए माइनस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर, कोट को क्या लिखेंगे, कोस ए बाय साइन ए, और इसको 1 बाय साइन ए, ठीक है। तो ये बनेगा कोस ए माइनस 1 बाय साइन ए, ठीक है, कोस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कोस ए माइनस 1, ये कोस ए माइनस 1, ठीक है, और इसको लिखेंगे हम 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए। ऊपर इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, इसमें से भी, दोनों में से माइनस कॉमन लिया,
एक माइनस यहां से कॉमन लो, वन माइनस कोस ए, और एक माइनस यहां से कॉमन लिया, वन माइनस कोस ए, तो वन प्लस कोस ए और ये वन प्लस कोस ए माइनस, सॉरी ये कैंसिल आउट, तो वन माइनस कोस ए वन प्लस कोस ए आर एच एस आ जाएगा, सॉरी एल एच एस आएगा, ठीक है। हर्षित क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को? 41 प्रूव दैट 1 बाय सेकेंट ए माइनस 1 प्लस 1 बाय सेकेंट ए प्लस 1 टू कोसिकेंट ए इंटू कोटे, ठीक है, टू कोसिकेंट ए इंटू कोटे ये प्रूव करना है। तो या तो पहले साइन कोस में चेंज कर लो या पहले एलसीएम ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। क्या करें, पहले एलसीएम ले लें, एलएचएस 1 बाय सेकेंट ए माइनस 1 1 बाय सेकेंट ए प्लस 1 सेकेंट ए प्लस 1 सेकेंट ए माइनस 1 ये secant a plus 1 secant a minus 1 ये cancel out, secant plus secant 2 secant a, और a plus b a minus b secant square minus 1, ठीक है। वैसे तो secant square minus 1 identity होती है, ये होता है ना 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वेयर ए, तो टेन स्क्वेयर ए की वैल्यू कितनी हुई, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, रख दो यहां पर 2 सीकेंट ए बाय टेन स्क्वेयर ए। अब साइन कोस में चेंज कर दो इसको, 1 बाय कोस ए साइन स्क्वेयर ए बाय कॉस स्क्वेयर ए, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, 2 बाय कोस ए इंटू साइन स्क्वेयर ए, और ये कॉस स्क्वेयर ए ऊपर चला गया, एक से ये कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, 2 कोस ए साइन स्क्वेयर ए, ठीक है। इस साइन स्क्वेयर को मैं क्या लिखूं, साइन इंटू साइन लिख दूं, 2 cos a sin a into sin a, ऊपर 1 है, cos by sin cot, और 1 by sin cosecant, this is RHS, clear हुआ क्वेश्चन? ठीक है, तो पहले तुम sin cos में भी चेंज कर सकते हो या पहले एलसीएम लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
42 prove that cos A by 1 minus 10A plus sin A by 1 minus cot A equals to sin A plus cos A. ये हमें प्रूव करना है. इसको देखो साइन कोस में चेंज कर लेंगे पूरे एक्सप्रेशन को. कोस ए बाय वन माइनस टेन ए प्लस साइन ए बाय वन माइनस कोटी. साइन कोस में चेंज करो. दिस इज कोस ए वन माइनस साइन ए बाय कोस ए. साइन ए दिस इज वन माइनस कोस ए बाय साइन ए. ठीक है, इसका एलसीएम कोस ए आएगा. एलसीएम कितना आएगा इसका? कोस ए. कोस ए माइनस साइन ए बाय कोस ए. और ये साइन ए, साइन ए माइनस कोस ए बाय साइन ए. ठीक है, ये कोस ऊपर चला जाएगा और ये साइन ऊपर चला जाएगा. कोस ऊपर गया तो कितना आएगा? ये कोस के रे कोस ए माइनस साइन ए. और ये ऊपर गया तो कितना आएगा? साइन स्क्वेयर ए साइन ए माइनस कोस ए. अब देखो ये दोनों सेम है, केवल साइन का ही डिफरेंस है ना इन दोनों में. जब इन दोनों में साइन का डिफरेंस है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें. इसमें से क्या करो? टेकिंग माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन ले लो. कोस के रे कोस ए माइनस साइन ए और ये साइन स्क्वेयर ए. ये प्लस, जब माइनस कॉमन लिया मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये कोस ए माइनस साइन ए हो गया. ठीक है, और ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस माइनस देखो ये कॉस के रे बाई कोस ए माइनस साइन ए, ये माइनस साइन स्क्वेयर ए कोस ए माइनस साइन ए. तो ये आएगा कॉस के रे माइनस साइन स्क्वेयर ए बाई कोस ए माइनस साइन ए. एलसीएम ले लिया. ऊपर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी. कोस ए माइनस साइन ए और कोस ए प्लस साइन ए. और ये कोस ए माइनस साइन ए, ये इससे कैंसिल. तो आंसर आएगा कोस ए प्लस साइन ए. कोस ए प्लस साइन ए इसे आ रहे थे. क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है? ठीक है ना. Thank you.
43 prove that cosecant A cosecant A minus 1 plus cosecant A plus 1 2 secant square A. ये तो साइन कोस में चेंज करो या डायरेक्ट एलसीएम ले लो. एलएचएस cosecant A cosecant A minus 1 cosecant A plus 1 डायरेक्ट एलसीएम ले ले. डायरेक्ट एलसीएम लेने से भी बात बन जाएगी. ये cosecant A plus 1 cosecant A minus 1 cosecant A minus 1 cosecant A plus 1 ठीक है. cosecant A की cosecant A से cosecant square A plus cosecant A cosecant square A minus cosecant A by cosecant square A minus 1 A plus B A minus B. ऊपर देखो ये कैंसिल. ये क्या बना 2 cosecant square A और नीचे cosecant square A minus 1. अब देखो ये cosecant square A minus 1 आइडेंटिटी होती है 1 plus cot square A cosecant square A. तो इसका मतलब cot square A किसके इक्वल 1 minus cosecant square A ना. cosecant sorry cot square A आएगा cosecant square A minus 1 ठीक है. तो ये हो गया 2 cosecant square A and this is cot square A ठीक है. cosecant square root क्या लिखूंगा मैं 1 by sin square A and this is cos square A by sin square A. ये sin square से sin square cancel. ये बचा 2 by cos square A 2 by cos square A और ये 2 into 1 by cos square A और 1 by cos square 2 secant square A. This is RHS ठीक है. क्लियर है सभी को भाई. बच्चे बीच बीच में भाग रहे हैं और लास्ट में ये सारे आएंगे. फिर कोई फायदा नहीं है तुम्हारी इस पढ़ाई का. केवल अटेंडेंस के लिए अगर तुम आते हो, अगर केवल अटेंडेंस के लिए आओगे तो कोई फायदा नहीं है. लास्ट में आने का कोई भी फायदा नहीं है तुम्हारा. देखो मैंने एलसीएम लिया कोसिकेंट ए माइनस वन कोसिकेंट ए प्लस वन. इस पूरे को इससे डिवाइड किया तो ये बचा. इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट. ये कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल. कोसिकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझी बात. फिर इसके बाद ये तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस वन नहीं, ये कॉट स्क्वायर एक ही
आइडेंटिटी होती है, तुम चाहो तो साइन में बात एक ही है, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस वन उधर जगह देगा तो कॉट स्क्वायर ही बचेगा, कोसेकेंट स्क्वायर वन बाय साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, टू बाय कॉस स्क्वायर ही, टू बाय कॉस स्क्वायर इक्वल टू इनटू वन बाय कॉस स्क्वायर, और वन बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है, ठीक है। Prove that tan square a by 1 plus tan square a cot square a by 1 plus cot square a, ये वन प्रूव करना हमें, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। LHS tan square a by 1 plus tan square a cot square a by 1 plus cot square a, अब यूज करेंगे हम, क्या यूज करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर ए, होता है ना ये, तो क्या बनेगा ये टेन स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर, इसको क्या लिखूं मैं, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए और इसको वन बाय कॉस स्क्वायर ए, इसको कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए और वन बाय साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर, क्या बनाई sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a, this equals to 1 RHS, ठीक है, क्लियर है सभी को, तो अटेंडेंस ले लें और मेरे को अटेंडेंस सेंड कर दो भाई। अटेंडेंस लेके मेरे को सेंड कर दो। तुम्हें घर से अगले दो क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 एंड क्वेश्चन 46 यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, ये दो क्वेश्चन तुम्हें घर से खुद से ट्राई करने हैं। ओके थैंक यू।